এখন আফটারনুন কোথায়, এখন 4টে বাজে, তাও ওই একই হাল। ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু ব্লগস উইথ ডিএস, লাইফ ইজ বিউটিফুল এন্ড কেসো আপ লোক, আই হোপ সব ঠিক হো, হাম সব ঠিক হ্যায়। এন্ড আজে বহুত হি স্পেশাল এন্ড ইম্পর্টেন্ট ডে, আজে মেরা ফেভারিট ফ্রিডম ফাইটার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস কা বার্থডে, সো আজে নেতাজি জয়ন্তী, সো আপ সবকো নেতাজি জয়ন্তী কি হার্দিক শুভকামনায়, গর্ব হ্যায় মুঝে আপনে দেশ পর। फ्रेंड्स, नेताजी ने इतना कुछ किया है हमारे देश के लिए, इतना कुछ, नॉट ओनली इनसाइड इंडिया बट ऑल्सो इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाके इंडिया की लड़ाई लड़े, है ना। तो ये चीज़ सब फ्रीडम फाइटर्स ने नहीं किया होगा जितना इन्होंने किया है। इफ़ यू गो टू हिस्ट्री एंड इफ़ यू रीड हिज बुक्स ऑन रीड द बुक्स ऑन हिज लाइफ यू विल अंडरस्टैंड कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, सिर्फ जो इंडिया में रह के नहीं कर सकते थे, वो बाहर सारे कंट्रीज से मिल के यू नो हमारी इंडिया को फ्रीडम देने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है और अपनी ज़िंदगी सारा सेक्रीफाइस कर दिया है सिर्फ इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी, कल जो भी है, कल उनका जो स्टैचू बन रहा है इंडिया गेट पे, वो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, बट ये बहुत बड़े सम्मान की बात है एंड आई रियली थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट, थैंक यू सो मच। मेरे घर में भी एक नेताजी है, आपसे मिलवाती हूँ मैं। हेलो नेताजी। आई एम नेताजी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब मिले मेरे नेताजी से, तो इसका है फ्रांसिस कॉम्पिटिशन ऑन रिपब्लिक डे, तो इसलिए ये प्रिपेयर किया, इसने एक लाइन बोलना है डायलॉग, तो उसको नेताजी मैंने यू नो ड्रेसअप करवाया है। एंड मुझे स्पेक्स नहीं मिला, नहीं तो मैं स्पेक्स पहनाती इसको, बट स्पेक्स नहीं है मेरे पास, गोल वाला जो स्पेक्स है, मुझे ये था कि इसको गोल वाला स्पेक्स दे दूँ, पर है नहीं। इसके दादी के पास भी है बट वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, गोल वाला स्पेक्स, राउंड वाला। तो मैंने सोचा चलो तुम यही ड्रेसअप कर लो, और बन गया इससे नेताजी, और इसे डायलॉग बोला है, तो इसका था असाइनमेंट था। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद है, मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड डू शेयर एंड लाइक माय वीडियो। बाय।